थाना पागवाड़ा पुलिस द्वारा 12 घंटे के अंतराल में लूट के दो शातिर अभियुक्तों को लूट की नकदी व लूट में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है, जिसका खुलासा एसपी सिटी मुरादाबाद ने एक प्रेस वार्ता के दौरान किया। थाना मंजुला क्षेत्र में विगत 2 तारीख की दोपहर को 3 बजे नानकबाड़ी के सामने हाईवे पर लूट की घटना से पुलिस में हड़कंप मच गया था, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मंजुला पुलिस द्वारा टीम गठित करके घटना को जल्द अनावरण करने की बात कही गई, जिस पर कार्यवाही करते हुए मंजुला पुलिस द्वारा लूट की घटना का खुलासा करते हुए लूट में करीब 5,000 रुपए की नकदी, 2 एंड्रॉइड मोबाइल और लूट में उपयुक्त की गई मोटरसाइकिल बरामद करते हुए 2 साथी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों द्वारा अपना नाम मनोज उर्फ बिल्लू पुत्र निहाल सिंह निवासी कमला बिहार कॉलोनी और दूसरा संजीव यादव उर्फ बिक्की पुत्र प्रेम सिंह यादव थाना कटघर बताया गया। अभियुक्तों ने कई और घटनाओं का खुलासा करते हुए अपना जुर्म कबूल किया है। ये कल थाना पागबाड़ा हाईवे पर एक युवक के साथ मारपीट और लूट की घटना हुई थी, उसमें थाना पागबाड़ा ने सराहनीय कार्य करते हुए 12 घंटे के अंदर इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। ये 2 अभियुक्त मनोज और राजीव दोनों ही थाना कटघर के रहने वाले हैं। इसमें जो हाईवे पे जो लड़का था इससे इन्होंने मारपीट करी थी और इसके पास से उसका मोबाइल और नकदी इन्होंने लूटी थी। जो इसमें कंप्लेनेंट था उसने उसकी मोटरसाइकिल पहचान ली थी। हम लोगों ने उस मोटरसाइकिल को ट्रेस करते करते इन 2 अभियुक्तों को पकड़ा। इनके पास से कुल 5,090 रुपये, 2 मोबाइल फ़ोन, 2 चाकू और जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी उसको बरामद किया गया है। इन दोनों का ही पूर्व में आपराधिक इतिहास है। दोनों पर आर्म्स एक्ट और चोरी के मुकदमे पंजीकृत है।